बॉलीवुड में सर्वाइव करना और अपनी एक खास मुकाम बनाना कोई आसान बात नहीं है। एक आउटसाइडर के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है अगर आपके कोई इंडस्ट्री में लिंक नहीं है, कोई आपकी जान पहचान नहीं है। तो ऐसे टाइम पे सक्सेस पाने के लिए अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं तो कुछ एक्ट्रेसेस एडजस्टमेंट्स भी करती हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। ऐसे ही जैकलिन की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो उन्होंने करी हैं अपना बॉलीवुड में करियर एस्टैब्लिश करने के लिए। जैकलिन सबसे पहले साजिद खान को डेट करती थी 2010 में। इसी तरह से उसके बाद उनको रोल मिला था साजिद खान की मूवी हाउसफुल 2 में। सभी को दिखाई देता था कि साजिद खान और जैकलिन कंपैटिबल नहीं है, और इवेंचुअली जब मूवी रिलीज हो गई उसके बाद जैकलिन ने साजिद खान के साथ ब्रेकअप कर लिया। जैकलिन को सलमान के साथ भी स्पॉट किया गया था जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब जैकलिन सलमान खान के फार्म पर मौजूद थी। और उसके बाद जैकलिन ने सलमान खान के साथ बहुत सारा काम किया किक वन और किक टू में, और जो हाउसफुल 2 और 3 बनी थी साजिद नडियाडवाला में उसमें भी जैकलिन को लिया गया, क्योंकि साजिद नडियाडवाला सलमान खान के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जैकलिन कोई इतनी भी अच्छी ना ही वो एक्टर है ना ही वो एक आउटस्टैंडिंग डांसर है, फिर भी उनको बहुत सारे रोल और काम मिलता गया बड़े बड़े हीरोज़ के साथ जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, जबकि उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस लाइक तापसी पन्नू, विद्या बालन, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे, ऋचा चड्ढा, इन सबको अभी तक भी इतने बड़े नामों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। और अभी अभी जैकलिन का नाम सुकेश कॉनमैन के साथ जोड़ा गया था, जिससे जैकलिन बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती थी, अपना लाइफस्टाइल स्पॉन्सर करती थी। वो सिर्फ जैकलिन का लाइफस्टाइल के ही खर्चा नहीं उठा रहे थे, वो जैकलिन के माँ बाप, जैकलिन के भाई, सबके लाइफस्टाइल का खर्चा उठा रहे थे। और जैकलिन को 10 करोड़ तक के गिफ्ट दिए थे उन्होंने, जिसमें एक पर्शियन कैट थी जो 9 लाख की थी, जिसमें एक हॉर्स था जो 52 लाख का था। सुकेश ने ये सारी टेक्निक्स और भी हीरोइंस पर ट्राई की थी जैसे सारा अली खान, जानवी कपूर, नौरा फतेही, बट उन सब ने सुकेश के इस ऑफर्स को ठुकरा दिया था, उसके सारे गिफ्ट्स को वापस कर दिया था। ये सिर्फ जैकलिन ही थी जिसने हामी भरी थी कि हाँ वो उसका लाइफस्टाइल स्पॉन्सर करे और उसके बदले वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, इवन दो कि वो पहले से ही मैरिड था। और इसी कॉनमैन केस में नौरा का नाम भी ड्रैग किया गया था कि नौरा ने भी सुकेश से गिफ्ट लिए थे, जिसको नौरा ने बिल्कुल तरह से खारिज कर दिया कि उन्होंने उनसे कोई गाड़ी नहीं और कोई गिफ्ट्स नहीं लिए थे, वो उन पे उनसे कभी मिली भी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन पे बात हुई थी वो भी उनकी वाइफ के थ्रू। और नौरा ने इसका डिफेमेशन का केस जैकलिन और 15 अदर मीडिया हाउसेस पे लगाया हुआ है कि उन्होंने जानबूझकर नौरा का नाम इस केस में ड्रैग किया ताकि नौरा की बदनामी हो सके और जैकलिन की जो बदनामी हो रही है वो थोड़ी इक्वल हो सके और कम हो सके। नौरा का कहना है कि जैकलिन जानबूझकर नौरा का नाम इस केस में ड्रैग करती है ताकि मीडिया का सारा फोकस नौरा की तरफ जा सके और नए जैकलिन की तरफ ना जाए। अभी जैकलिन फर्नांडिस को नवंबर 15 को कोर्ट ने बेल ग्रांट किया था जिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बट वो अरेस्ट नहीं हुई थी। और अभी द कोर्ट हैड ऑन अगस्त 31 टेकन कॉग्निसेंस ऑफ अ सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड आस्क्ड फर्नांडिस टू अपीयर बिफोर इट। एंड ईडी भी बहुत बार मिस फर्नांडिस को इस कनेक्शंस और इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बहुत बार समन कर चुकी है। अभी देखने की बात यह है कि गोल्ड डिगर जैकलिन इससे कोई सीख लेती हैं, वो अपने ऐसे लोगों को यूज़ करना अपने आप को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने के लिए बंद करती है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।